बेटा सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई किया करो, वरना तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आई एम श्योर अगर आप मेरी तरह एक नाइट आउल हैं, तो आपने ये वर्ड्स कभी ना कभी जरूर सुने होंगे कि जो लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं वो ही अच्छा कर पाते हैं, वो ही एग्जाम्स में क्वालिफाई कर पाते हैं, ना कि वो लोग जो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई साइंस है कि सुबह उठ के पढ़ना ज्यादा अच्छा है या रात को पढ़ना ज्यादा अच्छा है? तो आज हम बात करेंगे इस बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अभिनव पवार, एमबीबीएस फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपने देख लिया होगा कि आज हम ये बात करने वाले हैं कि सुबह उठ के पढ़ना या रात को पढ़ना कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। द शॉर्ट आंसर इज दोनों। मतलब जानने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा, एंड द कॉन्सेप्ट इज बायोलॉजिकल प्राइम टाइम और बीपीटी। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियोस आफ्टर दिस वीडियो। सो बैक टू द टॉपिक, बीपीटी या बायोलॉजिकल प्राइम टाइम क्या होता है? आपने आई एम श्योर ये नोटिस किया होगा कि आपका फोकस या आपकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा एक सेम लेवल पे नहीं होती है, वो राइज एंड फॉल करती है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे। कभी कभी आपका फोकस इतने पीक पे होता है कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल स्मूथली हुए जा रहे हैं, आप सॉल्यूशंस किए जा रहे हो, आपके क्वेश्चंस, आपको ऐसा लगता है कि आज कुछ भी आ जाए मेरे सामने, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए मैं उसको इजिली कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ आपका फोकस इतना पुअर होता है कि आपको पता है कि आपको सिर्फ ये चार पेज पढ़ने और ये चार बिल्कुल सिंपल पेजेस हैं, बट आप चाह कर भी पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप पिछले एक घंटे से फर्स्ट पेज पर बैठे हुए हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी बॉडी का जो फोकस है वो टाइम ऑफ द डे के हिसाब से वेरी करता है, एंड हर एक इंसान का कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जब उसका फोकस 10/10 होता है, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन अपने बेस्ट पर होता है, एंड दैट टाइम इज नोन एज बीपीटी और बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो हमने देखा कि मैक्सिमम लोगों को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो लोग जिनका बीपीटी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होता है कि जब बाकी लोग सो रहे हैं तब वो उठ के अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और बेस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अर्ली बर्ड्स। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैं, जिनका जो फोकस होता है वो बेस्ट होता है ड्यूरिंग लेट नाइट आवर्स, 10 या 11 बजे के बाद। इन लोगों को हम नाइट आउल्स बोलते हैं। तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आपके लिए वो टाइम बेस्ट है, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप उस टाइम पे वो टॉपिक्स पकड़िए जो आपको सबसे मुश्किल लगते हैं, कॉन्सेप्चुअली ट्रिकी लगते हैं, या जिनमें याद करने का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, जिन दिनों मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं 10 PM के बाद पढ़ने बैठता था, एंड 10 to 1 या 10 to 2 जो मेरे 3 से 4 घंटे होते थे, उस टाइम पे मैं फिजिक्स के जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे वो सॉल्व करता था। एंड मुझे याद है कि वो 3-4 घंटे की पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव थी एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डे। तो मैं वो 3-4 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ता था, एंड उसकी वजह से मेरा एम्स में सिलेक्शन हो पाया। तो आप लोग भी अपना ये टाइम पहचानो, एंड इस टाइम को आपने सबसे बेस्ट यूटिलाइज करना है क्योंकि यहां पे आपका फोकस सबसे ज्यादा है। तो अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं कोई इशू नहीं है, अगर आप रात को पढ़ रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों ही कैटेगरी में आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, वो ये कि आपको 6 to 8 hours ऑफ अनइंटरप्टेड गुड क्वालिटी स्लीप लेनी ही लेनी है। स्लीप की इंपॉर्टेंस हम बहुत कम समझते हैं। स्लीप एक वो टाइम है जब आपकी बॉडी अपनी पूरे ऑर्गन्स को रिफ्रेश कर रही है, रीस्टार्ट कर रही है, एंड उसके लिए आपकी बॉडी को 6 से 8 घंटे चाहिए ही चाहिए, वो भी अनइंटरप्टेड स्लीप के। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें पढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, तो हम 2 से 3 घंटे रात को सोते हैं, फिर हम दिन में आधे आधे 1-1 घंटे के नैप्स ले लेते हैं, तो तब भी हमारा 5-6 घंटे निकल जाता है स्लीप का टाइम, बट स्टिल वो स्लीप उतनी हाई क्वालिटी नहीं है जितनी वो ही 6 घंटे एक अनइंटरप्टेड टाइम में अगर लिए जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो अगर आप लेट नाइट आवर्स में पढ़ रहे हैं। तो दूसरी चीज, अब आप अपना बीपीटी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आपको ये जरूर मेक श्योर करना पड़ेगा
कि जिस भी टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीट एस्पायरेंट है तो नीट यूजुअली 2 to 5:20 PM के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप खुद इमेजिन करो, कोई एक इंसान है जो सुबह पढ़ने बैठा, उसने 12-1 बजे तक पढ़ाई की, फिर वो थक गया, फिर उसने लंच किया और वो 2 बजे सोने चला गया, और वो यही रूटीन लगातार फॉलो कर रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं नीट एग्जाम में उसके साथ क्या होगा। जैसे ही 2 बजेंगे उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने स्लीप वाला जो उसका पॉइंट है, स्लीप वाली जो हैबिट है उसमें फॉल कर जाएगी। वो इंसान चाह कर भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा एग्जाम में। तो आपको इस ट्रैप से बचना है। आपके लिए जो आपका एग्जाम टाइम है वो आपका 10/10 फोकस वाला टाइम होना चाहिए, एंड उसके लिए आपको आज से ही काम करना है। तो अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये तो आपने गड़बड़ बात बोल दी, 2-3 बजे तो हम लोगों की एनर्जी सबसे कम होती है, 2-3 बजे तो हम सोने लग जाते हैं, तो अब हम क्या करें, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप स्टिमुलेंट्स, जो हेल्दी नॉर्मल स्टिमुलेंट्स होते हैं, उनका आप एक स्मार्ट यूज करें। एंड मैं इस वीडियो में 2 स्टिमुलेंट्स की बात करूंगा। सबसे पहला होता है पावर नैप। पावर नैप क्या होता है कि आप 30 मिनट्स के अराउंड सोकर उठो तो आप बड़े रिफ्रेश्ड फील करते हो। अब कुछ लोग यहीं पे वीडियो रोक देंगे कि सर तो कहीं क्या बोल रहे हैं, मैं जब सो के उठता हूं मुझे तो और ज्यादा थकावट फील होती है, अगर मैंने दिन में नींद ले ली तो मैं तो और थका हुआ उठता हूं रादर देन रिफ्रेश उठना, तो ये क्या गड़बड़ है। इसके पीछे भी रीजन है। स्लीप एक्चुअली एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एंड इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्लीप के बारे में वीडियो बनाऊं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि स्लीप के डिफरेंट फेजेस होते हैं, एंड किस फेज में आप उठ रहे हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आप कितनी एनर्जी के साथ उठेंगे। तो अगर आपको रिफ्रेश उठना है, नई एनर्जी के साथ उठना है, देन यू हैव टू लिमिट योर नैप्स टू अराउंड 30 मिनट्स। अगर आप 1-1.5 घंटे के नैप्स लोगे तो आप ऐसे फेज में उठोगे जब आप बहुत डीप स्लीप में हो, एंड उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो और डाउन हो जाएगी बढ़ने की जगह। तो रिस्ट्रिक्ट योर नैप्स टू 30 मिनट्स। दूसरा जो स्टिमुलेंट है, हेल्दी स्टिमुलेंट है, वो है कैफीन इन द फॉर्म ऑफ कॉफी। कॉफी अगर आप नेचुरल तरीके से लेते हो, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉफी लेते हो आप वाटर में कॉफी डाल के, देन दैट इज अ हेल्दी थिंग, एंड वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है अगर आप उसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं मिला रहे हो। ध्यान रखिएगा मैं यहां पे कॉफी की बात कर रहा हूं, मैं एनर्जी ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहा हूं, दोज आर नॉट हेल्दी फॉर यू। आप स्ट्रॉन्ग कप ऑफ ब्लैक कॉफी जरूर ले सकते हैं, एंड वो आपके लिए हेल्दी भी होगी एंड आपका फोकस भी इंक्रीज करेगी। तो जब भी आपको पढ़ने बैठना है उससे अराउंड 30 मिनट्स पहले कॉफी लीजिए, 30 मिनट्स बाद कैफीन अपना मैक्सिमम एक्शन दिखाता है। तो अगर आप 2 o'clock पढ़ना चाह रहे हैं, टेस्ट देना चाह रहे हैं, 1:30 के अराउंड कॉफी का एक कप ले सकते हैं जिससे आपका फोकस थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये 2 चीजों पर फोकस करो यार, आपका बीपीटी भी शिफ्ट हो जाएगा। प्लस जो सुबह और रात वाली बात है, आई होप उसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, या कोई भी चीज अगर आप बोलना चाहते हैं, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में फ्रीली बोल सकते हैं, एंड आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।